कोई एस्पेरेंट है जिसने अपने मार्क्स चेक किए और उसको लगा कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा तो उसने सुसाइड कर लिया लास्ट की सीट पे एक बच्चा बैठा था जो आगे वाली सीट पे पैर रख के बैठा हुआ था जूते ऊपर रख के मैंने चलती क्लास में उसको बोला है कि आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँ सुरेश रैना का एक इंटरव्यू हुआ था उन्होंने बोला महेंद्र सिंह धोनी मैच की एक रात पहले ग्राउंड पे जाते कमिशन इंडिया ने कुछ 20 इंस्टीट्यूट को आई एस इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया उनमें से एक इंस्टीट्यूट था जो शायद ओपन ही 2020 बीस में हुआ है और उसने 2017 के रिजल्ट को अपना रिजल्ट बता दिया हम भी बनेंगे आई आज आई बनना इस देश के हर बच्चे का ड्रीम एक बार तो होता ही है लाइफ में लेकिन आई बनने के लिए जो जज्बा जो मेहनत जो जुनून चाहिए बहुत सारे बच्चे उसे अंडर करते हैं या उसे गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं एंड फिर अपने अपने शहर छोड़ के के दिल्ली बॉम्बे कोटा बहुत सारी अलग अलग जगह जाते हैं टू बिकम एन लेकिन क्या है एक के पीछे की जर्नी की जो डार्क साइड क्या ऐसी चीजें हैं जो शायद माँ बापों को बच्चों को पता नहीं होता एंड वो सिर्फ अपने बच्चों को भेज देते हैं आई ए की कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ ऑनलाइन उस कोचिंग के बारे में देख के समझ के क्या आप अपने बच्चों की जान रिस्क पे तो नहीं डाल रहे आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे अबाउट द डार्क साइड ऑफ द आई ए एस इंडस्ट्री विद द वेरी फेमस मिस्टर अरिंदम सोनी सर आप सबके लिए मेरी तो अरिंदम भाई है थैंक 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 यू 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 कुलदीप भाई ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ये सारथी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके ये ओनर है एंड पिछले दस सालों से ये एक आई की फील्ड में यू नो अपना काम कर रहे हैं इससे ज्यादा अच्छा ज्ञान आपको आई इंडस्ट्री के बारे में आई डोंट थिंक आपको मिल पाएगा अरिंदम जी सबसे पहले तो एक बात बताइए कि ये जो बच्चे हैं जो अट्ठारह से उन्नीस बीस साल की उम्र में पहली बार जब आईएएस का एक ड्रीम करते हैं हाउ डू दे नीड टू गो अबाउट इट मतलब एक बच्चे के अंदर खुद को क्या पोटेंशियल देखना चाहिए बिफोर ही स्टार्टस थिंकिंग अबाउट बिकमिंग इन आईएएस फर्स्ट ऑफ ऑल कुलदीप जी थैंक यू सो मच के आपने ये इनिशिएटिव लेके और एक बहुत ही अलग जॉनर में इन सवालों को पेश करने का जिम्मा उठाया मैं समझता हूँ जो आपने सवाल पूछा कि 18 से 21 साल के बच्चे जो अब नए नए आई बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो कैपेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है कुलदीप जी मैं ऐसा समझता हूँ हमारे सामने अभी आपने लेटेस्ट एक मूवी देखी होगी ट्वेल्थ फेल तो ट्वेल्थ फेल में जो मनोज जी हैं वो बारहवीं कक्षा में फेल होने के बाद भी आज आई बने हुए हैं यू में कहूँगा एक ऐसी फील्ड है एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे मेहनत रंग लाएगी आपको अपने आप के अंदर ये विश्वास रखना है और इस विश्वास के साथ में अपनी पूरी जर्नी को निभाना है उसको जीना है बात करते हैं मोटिवेशन की जैसे आपने बोला तो मोटिवेशन और सपना जिसे भी कहा जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ जो आँख खोल के देखा जाता है उसे सपना बोलते हैं आँख बंद करके तो सिर्फ एक डिस्टिंक्ट रियलिटी है जिसको आप समझते हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी तो जिसको आँख खोल के सपने आते हैं कि मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ और पहुँच जाऊँगा तो उसको अपनी किताबें उठानी हैं अपने पेन पेपर्स उठाने हैं और तैयारी पर लग जाए आपने अब सोच लिया कि मुझे ये करना है वॉट्स दी नेक्स्ट स्टेप कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पे जो इवन जो हमारे आईएएस एस्पिरेंट्स बच्चे देख रहे हैं उनको कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो शायद नहीं पता चाहे फिर वो कोर्स में चेंज हो सिलेबस में चेंज हो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने एक वर्ड मेंशन किया कंसिस्टेंसी मैं उसी पे जोर लगाऊंगा कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करना यूपीएससी में एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है सिलेबस के बारे में जैसे एक बहुत बड़ा फियर है ये डार्क साइड ही कहा जाए इसको कि बोला जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस यूपीएससी में ऐसा नहीं है बहुत सहज भाव से आपको ये समझना पड़ेगा आपको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पैटर्न को एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए आप अपने टीचर्स से समझिए कि क्या पढ़ना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि क्या नहीं पढ़ना है कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करनी आपने बात की मैं उनके लिए बच्चों जो भी एस्पेरेंट देख रहे हैं आपके माध्यम से मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप तीन पीस का जरूर ध्यान रखिए एक पेशेंस रखिए दूसरा परसिस्टेंट रखिए और तीसरा परसेवरेंस इन तीनों पीस में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पी जो मेरी जर्नी में रहा तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एस्पेरेंट और किसी भी कैंडिडेट को अपने अंदर रखना होगा चाहे वो पढ़ते समय हो या आपके किसी भी स्टेज पे फेलियर के बाद हो धैर्य मत खोइए धैर्य जिस दिन आपने खो दिया आप उस सीढ़ी से दो स्टेप्स और नीचे आ चुके हैं दो कदम और पीछे आ चुके हैं पढ़ते समय बहुत सुकून से पढ़िए एक एक चीज को इंटरनलाइज करिए समझिए क्वेश्चंस पूछिए चार पांच तरह के क्वेश्चंस हैं आप किसी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछिए व्हाट व्हाई हाउ व्हेन लास्ट में कुछ एक अगर आपको मिसलिनियस आपको लगता है कि नहीं कुछ एक आस्पेक्ट छूट गया है तो उसको कवर कीजिए और ये जो चार पांच चीज़ें आपके क्वेश्चंस अगर आंसर कर देती हैं तो वो चार पांच चीज़ें आपको एक होलिस्टिकली पूरे टॉपिक को एक फील दे देगी पढ़ने का मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर आप धैर्य के साथ में अपने गोल को दिमाग में रखते हुए और कंसिस्टेंटली अगर आप लगे रहते हैं तो एट प्लस एट प्लस एट का फॉर्मूला बड़ा काम करता है आठ घंटे ईमानदारी से मेहनत करिए अपने किताबों और न्यूज़पेपर्स के साथ में आठ घंटे अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को दीजिए जो आपको ठीक लगता है और आठ घंटे आप सोइए कोई नुकसान नहीं है गेयर्स चेंज होते हैं एग्जाम के पहले आपके मेंटर्स आपके टीचर्स सही समय पे आपको बताएंगे कि अब आपको अपने गेयर्स चेंज करने हैं अब आपको 12 आवर्स 14 आवर्स तक स्विच करना है ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर आई की तैयारी कर रहे हैं तो डेली 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना है पाँच साल तक छः साल तक यही करना है ऐसा नहीं है सो इन शॉर्ट बहुत सारे लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका एक जो माइंड सेट है कि आई एस मतलब पढ़ाई 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 जीवन से सब कुछ हटा दो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे ये मिथ है जब तक आप वो बैलेंस बना के नहीं चलेंगे आपको दो दिन चार दिन नहीं पढ़ना है आप ऐसे कितने छह छह महीने साल साल दो दो साल तीन तीन साल आप पढ़ाई करने वाले हैं आपको क्या लगता है आप ये पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटे पढ़ के आप अपने माइंड को किस तरीके का बना लेंगे तो so, बहुत ही अच्छी बात कही एट एट, एट रूल आप प्लीज ध्यान रखिए आठ घंटे पढ़िए आठ घंटे सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आज जो अपने शहर को छोड़ के दिल्ली स्पेसिफिकली है वहाँ के आई एस इंस्टीट्यूट आई कोचिंग हब्स में माँ बाप भेजते हैं गाँव के और छोटे शहरों के कि बेटा दिल्ली जाओ दिल्ली जाके पढ़ाई करो आप तो खुद दिल्ली रहे हैं आपने देखा है वहाँ का डार्क साइड आपने देखा है लोगों को अच्छे खासे बच्चों को अपने माँ बाप से दूर होते हुए उनकी मेंटल हेल्थ खराब होते हुए लिटरली पागलपन के दौर पे जाते हुए थोड़ा उस पे लाइट डालिए बच्चों को बताइए कि जितना इजी आपको दिखता है ना कि जाओ दिल्ली जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो और आई ए एस बनी जाओगे नहीं तो किसी अच्छी सर्विसेस में लगी जाओगे क्या है वो अच्छी डार्क साइड बड़ी दुखद स्थिति है ये कि इस साल प्रिलिम्स के बाद में एक बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ आती है कोई एस्परेंट है जिसने अपने मार्क्स चेक किए और उसको लगा कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा तो उसने सुसाइड कर लिया बाद जैसे कुलदीप ने बोला कि दिल्ली जाके सेलेक्शन हो जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि मंदिर जाके मजहब का और मंजिल का पहचान या ठिकाना नहीं मिलता है आपके अंदर अगर जुनून है तो जज्बा है तो सीकर से झुंझुनू से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से मैं आपको बड़े बड़े रिजल्ट दिखा सकता हूँ आज जयपुर में जितनी भी बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं जो भी बच्चे हम पढ़ा रहे हैं वो सारे ही बच्चे बहुत कैलिबर रखते हैं उनका डेस्टिनेशन आई होगा या आर होगा या कोई और अच्छी सर्विसेज में वो लगेंगे ये मैं बिल्कुल आपको खाली पन्ने पे लिख के दे सकता हूँ कि वो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा सेट होंगे ही होंगे लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बच्चे दिल्ली चले गए उनका होना तय है और जो नहीं गए उनका नहीं होगा हर छोटे शहर से बड़ी कहानियां और हर बड़े शहर की छोटी छोटी कहानियां मैं आपको सुनाने के लिए आज भी तैयार हूँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो बच्चे हैं जो तो वहां पे जाके वो लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं कि वहां जाके पढ़ेंगे और अपने घर वालों से आइसोलेट होंगे क्या है उसके पीछे का हिडन डार्क सीक्रेट्स जो माँ बाप से दूर होके अपने शहरों से दूर होके और ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो सिर्फ दिल्ली में ही जाके होती है और बाकी कहीं नहीं होती ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कुलदीप जो सिर्फ दिल्ली में होती है जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो आपको मुक्ति दिला दे तो इसी तरह एक दिल्ली एक बहुत बड़ा मिथ है। मुझे ऐसा दिल्ली है। में ये टीचर्स सिर्फ दिल्ली में मिलते हैं या वहां के लोगों को अलग क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते जी हैं जी नहीं जी नहीं ऐसा नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। भी नहीं है मैं भी दिल्ली पढ़ा चुका हूँ और आज मैं जयपुर में सेटल्ड होके और सारथी को स्टार्ट करके और हम आज इतना सक्सेसफुली रन कर रहे हैं तो उसका एक कारण ये है कि मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ दिल्ली में जाके पढ़ा देते हैं जो हम यहाँ जयपुर में नहीं पढ़ा रहे मैं दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ मेरी फैकल्टीज़ दिल्ली में भी पढ़ाती हैं और जयपुर में भी पढ़ा रही हैं कंटेंट से एग्जाम नहीं निकलेगा आपको ये समझना पड़ेगा कंटेक्स से एग्जाम निकलेगा कंटेंट इंटरनेट की एज में इतना ज़्यादा है कि आपको लिमिटलेस मिल जाएगा आपको कंटेक्सट नहीं मिलता है तो कंटेंट के पीछे मत भागिए मित को मत चेज कीजिए आपको अगर पढ़ना है तो आप एक बहुत छोटी सी लाइब्रेरी में जाके आप अपने आप के आठ दस घंटे बैठिए पढ़िए ब्रेक लीजिए 55 फाइव प्लस फाइव मिनट्स का रूल फॉलो कीजिए पचपन मिनट पढ़िए 5 मिनट दस मिनट का ब्रेक लीजिए आराम से जहाँ है जिस भी शहर गांव में है आपको यूपीएससी के इंटरव्यूज में भी जाके ये महसूस होगा कि वो आपके बैकग्राउंड से आपको ड्रिल नहीं करते दे आर वेरी सिंपल पीपल दे जस्ट वांट ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो इस देश की सेवा ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साथ कर सके बट एट द सेम टाइम जो बहुत सारे लोगों का यू uh, नो you know, जो आपने वहाँ पे जाके गंदगी देखी जो रजत नगर में और इन सब जगह में यू नो गए थे पढ़ने आज वो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात उनका नॉर्मल लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल हो रखा है तो कुछ एक ऐसे इंस्टेंस आपके फ्रेंड्स के या कोई नाम बिना लिए कि भाई वो यू नो आया था पढ़ने लेकिन आज उसकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो चुकी है कि वो नॉर्मल मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूंगा और जैसे आपने सीक्रेसी के लिए बात रखी दी है तो मैं उसको नाम हेडन ही रखेंगे उसको मैं एक बैच में पढ़ा रहा था वो तीन सौ सौ बैच के बच्चों के बैच में आपको नहीं समझ आता कि कौन कहाँ बैठा है लास्ट की सीट पर एक बच्चा बैठा था जो आगे वाली सीट पे पैर रख के बैठा हुआ था जूते ऊपर रख के तो मैंने चलती क्लास में उसको बोला कि आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँ तो मुझे बोलता है करके तो देखो तो मैंने कहा कि भाई आप पैर नीचे रखेंगे तो ठीक लगेगा मुझे आपके जूते देखने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे बाद में पता लगा कि वो बच्चा ड्रंक था वो। क्लास में शराब पी के बच्चे आते हैं और दिल्ली का एक डार्क साइड है और हर शहर का एक डार्क साइड होता है हर इंसान का होता है हर शहर का होता है वो एक डार्क साइड ये है कि उस कल्चर में आप क्या करने जा रहे हैं आप ये कुछ समय बाद भूल जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि अरे सैटरडे तो सी चलते हैं राजीव चौक चलते हैं क्लब चलते हैं यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं तो आप वहाँ भटक जाते हैं और जैसा कि अभी कुलदीप ने बोला कि अपनों के बीच में एक अपनापन रहता है तो उस अपनेपन की सबसे गहराई और खास बात यही है कि हमारे अपने हमको भटकने नहीं देते आपके माता जी पिताजी अगर 10-11 बजे के बाद में अगर आप बोल के गए और आप घर नहीं पहुंचे तो फोन करके जरूर पूछ लेते हैं हाँ भाई कहाँ हो लेकिन आप दिल्ली हैं तो ये आपको कोई पूछेगा नहीं इसमें आपको फ्रीडम जरूर महसूस होगी लेकिन आप कहीं ना कहीं ये समझे कि आपको अपनापन नहीं मिल रहा है खाने में जो मम्मी के हाथ का स्वाद है वो आपको नहीं मिलेगा एंड देन आपका वो जो शेड्यूल है मान लीजिए आप ग्यारह के एक बजे आए आप तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है मेरी मर्जी में एक बजे आऊँ दो बजे हूँ अगले दिन तो आपको वो शेड्यूल फॉलो करना ही है ना एंड जैसे इन्होंने पहले पी बताए कि परसिस्टेंस परसिवियरेंस तो वो सब होगा कैसे तो आप बेसिक्स पे ही काम नहीं कर पाएंगे अगर आपका शेड्यूल और यू uh, नो you know, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं रह पाए उसके लिए इट इम्पोर्टेंट टू हैव समवन हु कैन लुक अपॉन यू जो आपको भटकने से बचाए एंड जनरली हर केस में वो माता पिता ही होते हैं या फिर आपके कोई अच्छे दोस्त आपको मिल जाए तो सो so, आगे अगर हम बात करें कि जो बच्चे आज आई एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस हैं बहुत सारे यू नो चेंजेस होते रहते हैं कोर्सेज सिलेबस में तो क्या कुछ नया चेंज हुआ है आज के टाइम पे यू इस वक्त अपने पैटर्न्स को काफ़ी डायनेमिक बनाने की कगार पे है और मुझे लगता है बना भी दिया है इस साल का प्रिलिम्स का पेपर देखने पे यह महसूस किया होगा बच्चों ने और हमने भी ये महसूस किया कि यू इस वक्त चाहती है कि बच्चे अपने बेसिक्स को बहुत क्लियर रखें जो शॉर्टकट में मंथली मैगजीन्स पढ़ के या समरी अगर आप कहें तो समरी पढ़ के अगर आपको लगता है कि आप वो चीजें कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है यू हैव टू गेट योर बेसिक्स वेरी स्ट्रेट आपको एनसीआर को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको न्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है स्पेसिफिसिटी पे ध्यान रखिए कहा नॉट लगा हुआ है कहाँ कोई फिगर्स लिखी है तो उस फिगर्स के ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं आपको पी को अपने बेसिक अखबार को इंडियन एक्सप्रेस हिंदू को आपको बस इनको फॉलो करना है अपनी एन को ठीक से रखिए और पैटर्न में आप मेंस के एग्जाम को अगर देखेंगे तो वो आपसे सिर्फ इतना से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अ कॉमन सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आप पैक्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर रेड कलर के सिंबल का क्या मतलब है फसाए उस बारे में क्या कहती है क्या कैलरीज लिखना जरूरी है तो एस्परेंट या आई एस का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया के अंदर सब चीजों का नाम पता जाती उसकी सब पता होना चाहिए ऐसा नहीं है आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए सो यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ बहुत सारे जो लोग हैं उनका एक माइंडसेट रहता है एंड uh, स्पेसिफिकली ये आजकल तो आई के ऊपर वेब सीरीज और भी खूब आती है तो डायलॉग भी है उसका एक प्लान भी इज फॉर लूजर्स मतलब या तो मैं आई बनूंगा या तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा मतलब आई एट ऑल कॉस्ट करना ही करना है सीट्स कितनी होती है आई में

प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स जब तक आपका प्लान ए काम कर रहा है अगर आपने बस छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा अगर आपका प्लीज सुरेश रैना का एक इंटरव्यू हुआ था ब्रेकफास्ट का को कोई शो आता था मुझे ध्यान नहीं आई एम सॉरी बट उन्होंने बोला कि महेंद्र सिंह धोनी मैच की एक रात पहले ग्राउंड पे जाते हैं वो उस ग्राउंड को फील करते हैं पिच को फील करते हैं आउटफील्ड को फील करते हैं और फिर वो नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं इतना गेम में क्योंकि सुरेश रैना का ऐसा कहना था कि कि उसको पता है कि उसके पास में प्लान ए भी है और प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी है और प्लान बी भी काम नहीं किया तो प्लान सी है तो इन तीनों में से आखिरी स्टेज तक आते आते गेम तो उसी का होगा आप जो भी कर रहे हैं उसको परफेक्शन से कीजिए पूरा दिल लगा के कीजिए ईमानदारी से कीजिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्लान बी अगर आपने सोचा आपने सोचा कि आ का या किसी स्टेट सर्विसेज का एसएससी का या सी का हम एग्ज़ाम देंगे तो हम लूज़र हैं लूज़र नहीं है आई बनने वाला खुदा नहीं होता है और आई जो नहीं बनता वो कोई चपरासी या फिर इस तरह का कोई आपको लगे कि नहीं जिंदगी ख़त्म हो गई डिग्निफाइड लाइफ ही नहीं है मुझे लगता है कि आज आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं किसी आई से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप आई बने तो ही आप बेस्ट कर पाएंगे एक समय होता है आपको एक रेशनल एनालिसिस करना पड़ेगा अपने इनपुट आउटपुट रेशो को देखते हुए कि आपने 25-26 साल तक की एज में आपने अपने अटैम्प्ट तीन चार अटैम्प्ट लिए हैं अब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे अपने लाइफ को भी सर्वाइवल के लिए कुछ करना चाहिए तो आपको सर्वाइवल के लिए प्लान बी पे स्विच करना है और उस प्लान बी को भी उसी शिद्दत से निभाइए जिस जैसे आपने प्लान ए को निभाया राइट right. सो so, मतलब क्या आप क्या एज एक बताना चाहेंगे कि भाई छब्बीस सत्ताईस इसके बाद बच्चे को एक बार सोच लेना चाहिए और कितने देने चाहिए मुझे लगता है तो आपके पास में जितने भी हैं सब दे दी दीजिए है ना क्योंकि बचा के कोई उसको पी में तो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं है ना पेंशन मिलेगी नहीं उसकी आपको अटेम्प्ट तो जितने हैं आप उतने दीजिए बिकॉज जितने बार आप अटेम्प्ट दे रहे हैं आप उतना ही टाइम अपना वेस्ट करते जा रहे हैं मतलब या तो ये है कि भाई आपको हर बार अटेम्प्ट में उतनी शिद्दत है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अटेम्प्ट देते देते आपका माइंड भी तो कहीं एग्जॉस्ट हो रहा है ना तो उसमें आपको एक वो होता है कि अटेम्प्ट इन uh, कि भाई आपका एक जो सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए या आपको जो करियर चुनना है आई आपको लग रहा है तो वो क्या रेशियो होना चाहिए एक पॉइंट uh, इसमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो एक आज सबसे बड़ा लेक्यूना uh, है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मोस्टली मैंने भी पढ़ाया है करीबन करीबन दो से ढाई साल सिलेबस खत्म कराने में लगा देते हैं और ऐसे मेरे पास में बहुत सारे बच्चे हैं आज की डेट में जो ढाई साल से सिलेबस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में जाके उनका सिलेबस अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा साढ़े सात महीने लगते हैं फाउंडेशन के सिलेबस को खत्म कराने के लिए और चार महीने ऑप्शनल के लिए अगर आप साइमटेनियसली दोनों कर लेते हैं तो साढ़े सात से आठ महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो अर्ली स्टेज पर अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो 21 साल के जब आप होंगे तब आप अटेम्प्ट दे सकते हैं 21 साल से लेके 25 साल के बीच में आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ में प्लान ए पे पूरा फोकस रखिए पूरा इंथुजियाज्म पैशन विद कीपिंग इन माइंड दैट आई यू हैव टू हैव पेशेंस अगर आप कहीं फेलियर हो भी गए तब भी आपको धैर्य नहीं खोना है और फिर आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली मुझे एक ही स्टेज पे फेलियर फेस करना पड़ रहा है तो आप प्लान बी पे थोड़ा सा सोच विचार कीजिए उसकी भी तैयारी शुरू कीजिए। यस yes, देखिए यूपीएससी तैयार करते करते आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं कि कुछ माइनर चीजें होती है जो आपको एड ऑन करनी होती है प्लान बी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा भी प्लान भी मतलब जैसे जो एस दे रहे हैं उनको कब से ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि नहीं आर एस भी दे देते क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं नहीं दूंगा तो आई ही दूंगा और कुछ नहीं मुझे लगता है कि शुरुआत के दो से तीन अटेम्प्ट तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होके देने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो यंग एज है जहाँ आपके बेसिक्स बिल्ड होने शुरू हुए हैं उस बेसिक्स में आप कहीं रह नहीं जाएं, आप उसको कमजोर नहीं छोड़ दें डाइवर्टेड अटेंशन के साथ में ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है तो आप अपनी शुरुआत की एजेस में पूरा फोकस रखिए दो तीन अटेम्प्ट आप पूरा एक ही जगह टिके रहिए लेकिन आपको अगर रिग्रेशन दिखता है इस जर्नी में तो आप मेरे हिसाब से 24 से 25 साल की जो उम्र है आप वहां पे प्लान बी के बारे में सोचना शुरू कीजिए ओके okay. उसके बाद प्लान बी को भी जैसे आपने बताया कि बहुत शिद्दत से निभाई है तो प्लान बी क्या हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए जो आज तीन चार अटेम्प्ट दे चुके हैं एंड उनको फेलियर हाथ लग चुका है फेलियर सबसे बड़ा डार्क साइड है यूपीएससी का अगर आप सक्सेस रेशो की बात करें तो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट इज अक्सेस रेशियो अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक जाए तो अगर आप प्रलिम्स की बात करें तो कुछ 12.5 पॉइंट तो फाइव टू थर्टीन टाइम्स बच्चे वैकेंसीज का 13 टाइम्स कुछ प्रलिम्स क्लियर करते हैं उसमें से कुछ ढाई से तीन हजार बच्चे इंटरव्यू देते हैं और उसमें से भी कुछ 900 बच्चे यूपीएससी क्लियर करते हैं और उसमें से भी कुछ सौ ही बच्चे आई बनते हैं बाकी पुलिस सर्विसेज फॉरन फौरें फॉरेस्ट सर्विसेज इस तरह के कहीं ना कहीं एग्जाम्स पोस्ट मिलती है आपको जो आपने प्लान बी की बात की तो प्लान बी में आप स्टेट सर्विसेज पे बिल्कुल फोकस कर सकते हैं आप स्टेट सर्विसेज दीजिए आप सी ए पी एफ दीजिए आप एस एस सी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं जी के आपकी प्रिपेयर्ड होती है एप्टीट्यूड आपका प्रिपेयर्ड होता है अगर बहुत सारे लोग अराउंड ट्वेंटी एट थर्टी है और अपना इंस्टीट्यूट और ये सब खोलना चाह रहे हैं उसका क्या प्रोसेस प्रोसेस तो बड़ा आसान है कि आपको जगह चाहिए और कुछ अच्छे टीचर्स चाहिए और पढ़ाने का स्किल चाहिए प्रोसेस बड़ा आसान है अगर वैसे देखा जाए तो और और अदर साइड देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं मैं माफी चाहूंगा बाकी इंस्टीट्यूशन से लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ भी जो फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना है और उसके साथ साथ उनको सिखाना भी है उनके दिमाग में उनको एक वॉरियर बनाना है कि अगर ये यूपीएससी कर गए तब भी दे वॉक लाइक अ किंग और अगर ये नहीं कर पाए तब भी वर्क दे डोंट केयर द किंग किंग एंड ये जैसे आपने किंग की की बात बात करी तो बात हो गई मोटिवेशन की, मेरे अंदर का ज्वाला जग चुका है तो अब ये जो तेईस से पच्चीस छब्बीस के जो एज के लोग हैं पहला अटेम्प्ट दिया फेल हो गए दूसरा अटेम्प्ट दिया फिर फेल हो गए तो दूसरे अटेम्प्ट में फेल होते हुए फिर अपने आसपास वाले का किसी का हो जाए तो और ज्यादा दुख होता है बुरा लगता है भाई, आप <laughs> तो उस टाइम पे हाउ डू वी कीप दैट मोटिवेशन गोइंग वो ज्वाला अपने अंदर कैसे जगा के रखें फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम कि भाई नहीं यार मेरा भी होगा 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 एंड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट वो राजू और उसकी तरह नहीं बनना है कि यार दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है लेकिन टॉप मार जाए तो और ज्यादा दुख होता है बात तो सही है हाउ डू दे कीप देम सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दो ऐसे शब्द हैं जिसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना जरूरी है इंस्पिरेशन आपको मोटिवेटेड रखेंगे और मैं हमेशा ये बात दोहराते आया हूं माइक पे और क्लासेस में कि इमोशंस ऐसी चीज है जिसको कंस्ट्रक्टिवली अगर आप यूज करेंगे तो इमोशंस विल ऑलवेज कीप यू गोइंग अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखिए आपको किसी और के सिलेक्शन से दुखी नहीं होना है उल्टा उससे इंस्पायर होके मोटिवेट होना है आपको किसी आई से मिलके अपने दोस्त से जिसका सिलेक्शन हो गया उससे मिलके अगर आपको कुछ इमोशंस जनरेट हो रहे हैं तो उस इमोशंस को अपने अंदर जिंदा रखिए आपके इमोशंस आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे ये मैं आपको मेरे अश्योरेंस के साथ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने अपने इमोशंस को सही से हैंडल कर लिया तो आप अपने पेशेंस और अपनी अकेडमिक्स दोनों को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे एग्जैक्टली exactly. सो so, जो बिहाइंड द सीन्स का जो एक इमोशनल मोटिवेशन है कि भाई अगर आपको आई ए एस बनना है उसके पीछे की आपकी जो कहानी है जो अंदर के आपके अंदर की जो ज्वाला है वो जब तक सही नहीं होगी दूसरों को देखा देख करेंगे तो ज्वाला बंद हो जाएगी बुझ जाएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज कब तक आप टीपेंगे दूसरों को आपको आई ए एस बनना है लेकिन आपको आई ए एस बनना है तो बनना क्यों है वो क्यों जब तक आपके माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में जाके छपावा नहीं होगा वो मोटिवेशन आएगा नहीं बिकॉज इट नीड्स टू बी वेरी सेल्फ इट नीड्स टू बी इंटरनल किसी को देखा देख नहीं आएगा मैं एड करना चाहूंगा Please. अभी क्या है बहुत सारे सीरीज और क्लिप्स शॉर्ट शॉर्ट्स आते हैं तो बच्चे क्या है कि वो नीली बत्ती की गाड़ी देख के या इस पुलिस वाले को मैं आके सस्पेंड करूंगा और यहाँ पे मुझे रोक दिया एक दिन मैं आई बनूंगा तो मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ये सब बड़ी छोटी कहानी है ये बड़ी छोटी सोच है मायोपिक ना हो क्योंकि जिस दिन आपको ये हासिल हो गया और आपने कर लिया आपका मकसद पूरा हो गया आपको उस दिन के बाद में ये पोस्ट नौकरी लगने लगेगी सलेक्शन हो गया तो मुझे कुछ बड़ा करना है ईगो छोटा और विजन बड़ा रखे right. तो माइंडसेट में बैठी भी नहीं होगी कि यार मैं देश को बेटर कैसे बना रहा हूँ अपने एग्जिस्टेंस से अपनी पोस्ट से फायदा क्या है फिर उस आई की डिग्री का सो एट द सेम टाइम सोशल मीडिया जैसे कि आपने नाम लिया और इंटरनेट किस तरीके से सोशल मीडिया और इंटरनेट आजकल के यूथ को जो कि प्रिपेयर करता है उसको क्या वो बिगाड़ रहा है क्या वो सुधार रहा है इज इट गुड फॉर देम शुड दे यूज सोशल मीडिया किस तरीके से उनका माइंड वॉश हो रहा है क्या हो रहा है सोशल मीडिया से आ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है सोशल मीडिया ना इंटरनेट और ना ही कोई और चीज़ आप चाय भी ज़्यादा पियेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी आप पानी भी ज़्यादा पियेंगे तो आपको ब्लोटिंग फील होने लग जाएगी किडनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं भी किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये रेशनली इवेल्यूएट करके यूज़ कीजिए कि इसका मेरे ऊपर या मेरे साथ में इसकी कितनी यूटिलिटी जुड़ी है आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं सबसे पहले ये देख लीजिए कि एग्जाम कितना दूर है दूसरा कि क्या मैं इस सोशल मीडिया को यूज़ करने के पंद्रह मिनट यूज़ करने के लिए मैंने इसके पीछे जो काम करना था वो कर लिया क्या मैं दो घंटा तीन घंटा पढ़ा हूँ मैं क्या ब्रेक के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ या मेरा मन कर रहा है कि बस मैं लेके बैठा सोशल मीडिया और ख़त्म हो गया मोस्टली मैं एसपेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि जब भी आप इंस्टाग्राम लेके बैठे हैं रील पर तो रील क्या है स्विच होती जाती है होती जाती है और लगता है एक डेढ़ घंटा निकल गया अलार्म लगा लीजिए रील के टेन्योर को फिक्स कीजिए सोशल मीडिया के टेन्योर को फिक्स कीजिए आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए और जिस दिन आपने रिवॉर्ड के लिए ऐसा लगता है कि आपने काम नहीं किया तो उस दिन खुद को पनिश भी कीजिए क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों री आपकी लाइफ में जरूरी है सो सोशल मीडिया को सिर्फ तभी यूज कीजिए वंस यू हैव कम्पलीटेड योर टास्क उससे पहले अगर आप सोशल मीडिया सुबह उठते ही सोशल मीडिया ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पल्यूट कर रहा है बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको हमको सबको पता है कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन सर्व करी जाती है बिकॉज़ दे वॉन्ट कि आप सोशल मीडिया पे टिके रहें ये एक डार्क साइड मेरी तरफ से भी आप ले लीजिए कि इंटरनेट और सोशल मीडिया और ये जो जमाना है सोशल मीडिया का ये चाहता है कि आप उनको देखते रहें इसलिए आपको दुनिया भर की हॉट हॉट लड़कियाँ या इस टाइप की वीडियोस इस टाइप की चीजें जो कि दुनिया भर का एंगेजमेंट लाती है ऐसी बातें आपको बहुत कम दिखाई जाएंगी जो कि आपके वैल्यूड होकर वो दिखाया ही नहीं जाएगा आप वो दिखाया वही जाएगा जिससे आप अट्रैक्ट हों मोह 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 वाली चीजें दिखाई जाएगी चाहे फिर वो लग्जरी गाड़ियाँ या लग्जरी वो हो चाहे फिर वो गर्ल्स हो दो लाइनें याद आ गई कुलदीप मेरे को अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास में कहा था जैसे आपने अभी सोशल मीडिया के लिए बोला और ये बहुत अट्रैक्ट करता है हमारे आज के यूथ को तो अमिताभ बच्चन साहब की बड़ी अच्छी लाइन है कहीं सुना है मैंने तो आपको दोहराता हूँ कुछ तो हुनर चाहिए चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ ऐसा रिश्ता है शोहरत और बदनामी का कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए एंड एट द सेम टाइम आज के जमाने में जहाँ ए भी आ गया है एंड टीचर्स वैसे भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं क्या मतलब करे तो बच्चा क्या करे एआई से कुछ फायदा है देखिए मैं बहुत टेक्नो फ्रेंडली आदमी तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम में ही बहुत बड़ा फ्लॉ है इंटेलिजेंस अगर आर्टिफिशियल है तो वो इंटेलिजेंस नहीं है अगर रियलिटी वर्चुअल है तो वो रियलिटी नहीं है तो ये क्या है बाइपोलर ओपोजिट्स को जो कंबाइन करके टर्म बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियालिटी या ऑगमेंटेड रियालिटी तो रियलिटी अगर ऑगमेंट हो गई तो वो रियलिटी नहीं है आप मेरे सामने बैठे हैं मैं आपको छू सकता हूँ तो आप रियल हैं लेकिन वो आपको छू नहीं सकते क्योंकि वो वर्चुअल रियलिटी को देख रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात ये है कि मैं हमेशा बोलता रहूँगा कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज्ञान हमारी किताबों में है कुछ अच्छे ऑथर्स को पढ़िए बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं बहुत अच्छा लिखा गया है अपने टाइम को अगर आप सही यूज करना चाह रहे हैं तो उन ऑथर्स की किताबों को पढ़िए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ह्यूमन इंटेलिजेंस ही तो है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है तो आपको कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेकिन जरूरत पड़ने पे गूगल विल बी योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द टेन ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन अगर आपको किसी से पूछना है तो आप गूगल से पूछिए उसके पास में सारे जवाब है जब टीचर अवेलेबल नहीं है जब मेंटर्स अवेलेबल नहीं है जब किताबें अवेलेबल नहीं है तो गूगल अवेलेबल है बस उसको वहीं तक सीमित रखिए एग्जैक्टली exactly. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ कि आजकल कोई भी एजुकेशन है चाहे फिर वो आई की प्रिपरेशन है तो अब दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके भी हैं आप सुन ही रहे होंगे मुझे लाखों रुपए लेने वालों है ना एंड uh, उनके साथ साथ नीट uh, की प्रिपरेशन के लिए ऐसे हैं तो ऐसे ही कमर्शलाइजेशन ऑफ़ आई कोचिंग भी हो चुका है जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स uh, को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते उनका सिर्फ प्योर एजेंडा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आओ हैविली मार्केट करो अपनी ब्रांड को और इतने सारे स्टूडेंट्स भर दो उसमें से एक का भी हो जाता है तो हमारा तो नाम हो जाएगा

ऐसे बहुत सारे लोगों को फाइन किया है और फेक एड्स के लिए डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए बताया है कि ये मिसलीडिंग एड्स हैं कमर्शलाइजेशन बुरा नहीं है आप हम सब कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे आप एट द एंड ऑफ द डे लेकिन जरूरी ये है कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं आप उसको दिमाग में रखते हुए आप बच्चे से या किसी भी अपने क्लाइंट से मैं सभी के लिए बोलूँगा आप उतना ही चार्ज कीजिए जितना ज़रूरी है मेरा अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। मेरा एक कलीग है तो वो कलीग इतनी ईमानदारी से इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है कि इंस्टीट्यूशन ने बोला कि भाई आपको ये सिलेबस जो है ये पचास घंटे में करवाना है तो उसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि या तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा मुझे घंटे मत दो और पैसे आपको जितने ठीक लगते उतने देना लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ स्टेज पे पोडियम पे तो मैं बच्चों को पूरा पढ़ा के जाऊंगा चाहे वो पैंसठ घंटे लगे सत्तर लगे पिचहत्तर लगे आपको ठीक लगता है तो आप पचास घंटे के पैसे दीजिएगा लेकिन आज इंस्टीट्यूशन के साथ में थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इशू है कि कमर्शलाइजेशन को क्वालिटी से या क्वांटिटी को क्वालिटी से बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हाँ मतलब जो मेन uh, इशू है वो है फेक कमर्शियलाइजेशन यस कि भाई आज आपका बच्चा एक सेलेक्ट होता है आप दिखाते हो दस आप अभी खुला है आप दो साल जैसे कि आपने बताया कि दो साल तीन साल पहले के रिजल्ट को अपना बताते हो वॉट आर दे डूइंग लोगों के हार्ड अर्न मनी को अपना बनाने के लिए आपने कोई सिलेक्शन नहीं दिए कुछ भी नहीं दिया बट यू आर टेलिंग द यूथ कि हमारे पास आओ बिकॉज हमारे पास दुनिया भर के सिलेक्शन है एंड जब अंदर जाके बच्चा देखता है तो वहां पे तो भेड़ चाह और एक बार पैसे दे दिए तो वापस मिलते नहीं है जितने बच्चे आपके सेलेक्ट हों उतना ही शो करो बाकी लोगों को ऐसे धोखे में ना रखो तुम लोग हम बता रहे हैं ऐसे करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी <laughs> तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट डियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्लीज़ फेक पब्लिसिटी ना दिखाइए बिकॉज ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं जिस दिन पकड़े गए तो उस दिन जितना ऊपर आप जल्दी से पहुंचे हैं ना अपने फेक नंबर्स को दिखा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद भी होते हुए देखे ना आपने और हमने हम दोनों ये नहीं चाहेंगे तो प्लीज़ इस देश की मासूम जनता को गुमराह मत कीजिए उनके पैसों से खिलवाड़ मत कीजिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं उनके माँ बाप तब जाके वो पैसे आते हैं जहाँ वो बात आती है वहीं बात करनी पड़ेगी मुझे आपके खुद के इंस्टीट्यूट सारथी की जहाँ मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि फेक इंस्टीट्यूट्स और यू नो बहुत सारे लोग इतने भर लेते हैं पाँच पाँच सौ लोग क्या बच्चा पढ़ेगा पाँच के बैच में क्या डिफरेंट है सारथी में मैं डिफरेंट तो नहीं कहना चाहूँगा मैं बोलूँगा बस हमारी अप्रोच थोड़ी डिस्टिंक्ट है टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं जो भी करिकुलम या जो भी लेक्चर्स में अंदर जाने वाला है आप यकीन मानिए कि उन टीचर्स से जितना डिलिब्रेशन डिस्कशन मेरा बिफोर द क्लासेस रहता है उतना आफ्टर द क्लासेस भी रहता है सबसे खास बात यह है कि मेरी कोई भी फैकल्टी जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही है वो हर एक बच्चे का नाम जानती है और अगर आप उसकी टेस्ट कॉपी सामने रख देंगे तो वो फ्रंट पेज को बिना देखे भी बता देगा कि ये कॉपी एक्स बच्चे की है क्योंकि पर्सनल टच बच्चों को रखना बहुत जरूरी है होता क्या है कि भीड़ में या आप कहीं जाइए मेले में जाइए तो आप भीड़ में खो जाते हैं सारथी को शुरू करने का और सारथी में जो आज मोड़स है हम रख रहे हैं जिसके लिए मेरे बच्चे शायद गवाह हैं वो बच्चे हमसे किसी भी टाइम पे कभी भी बात कर सकते हैं एक्सेसिबल रहते हैं मैं डेली अपनी क्लासेस के बाद में कुछ समय ऑफिस में अपने केबिन में बैठता हूँ और एक एक करके बच्चे जो भी मिलना चाहते हैं वो सब आते हैं हर फैकल्टी अपने नंबर्स प्रोवाइड करती है और बच्चों को जब भी बात करनी है तो वो काउंसलर और मैनेजर के थ्रू आराम से बात कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स पे आके बच्चे बात कर सकते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हमारे बहुत अच्छी एक फैकल्टी इकोनॉमिक्स की ब्रिलियन फैकल्टी रहे हैं बी एस खतरी साहब बी एस साहब ने पूरा सिलेबस करवाने के बाद में सब बच्चों को अपने घर पे डिनर के लिए होस्ट भी किया और वो बच्चों का लगाव और प्यार उनसे इतना ज़्यादा है कि वो आज भी अगर कहीं मिलते हैं तो वो बच्चे इस चीज़ से शर्मिंदा फील नहीं करते कि सर के पैर छूने वाहो सो ये बी एस सर जो भी हैं आम... मिलना चाहेंगे हम भी आपसे कभी एंड uh, काफी अच्छा लगा uh, बी खत्री सर के बारे में भी जान के इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि uh, जो आई है जो भी बनने का सपना देख रहे हैं सपना देखिए पूरा दिल खोल के देखिए एंड uh, इन जैसे uh, लोग आपकी मदद करने के लिए ही हैं तो आप कभी भी इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं इनके पास आपको कहीं से भी कोई भी इंस्टीट्यूट में कहीं से भी आपको कुछ भी यू नो नेगेटिव फील हुआ हो या आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई हो एज ए स्टूडेंट आइए आप बात करिए नहीं ज्वाइन करना है मत कीजिए बट आके एक बार अपने दिल की बात इन तक शेयर करेंगे तो ये आगे बहुत सारे लोगों तक उस मैसेज को लेके जा पाएंगे ताकि जो आज आपके साथ गलत हो रहा है बाकी बच्चे ना करें एक छोटी सी बात कह के मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दे दिए हैं और जो देने वाले हैं वो इस दो लाइनों को ध्यान रखें और अपने अंदर जिंदा रखें कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता किसी को ज़मी नहीं मिलती और किसी को आसमां नहीं मिलता लेकिन जिसको मिला आसमां और जिसको जमी मिली दोनों ही जिंदा हैं खुश रहना सीखिए संतुष्ट रहना सीखिए पीएम बनने के बाद भी एक ना एक दिन आपको उस पद से नीचे आना है आम इंसान की तरह रहना है डोनाल्ड ट्रंप से लेके और पीएम मोदी या कोई भी और बड़ी हस्ती सबका एक वक्त है एक दौर है आएगा चरम सीमा पे जाएगा और खत्म भी होगा लाइफ साइकिल है उम्र है वक्त है बढ़ेगा अपनी कस्ब पे जाएगा पीक पे जाएगा और ढलान पे भी आएगा तो आई एस बनते हैं बहुत अच्छी बात है नहीं भी बनते तो भी बहुत अच्छी बात है इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने यही समझा आई एस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ आप वो एक प्रोफेशन है तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन हुआ अच्छी बात है नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा आप कर ही लेंगे बिल्कुल अगर आप दिल से मेहनती हैं तो जैसे हम लोग कर रहे हैं ऑल राइट ये हो गई हमारी खुद की तारीफ सो so, अगर आपको सारथी आई से कनेक्ट होना है तो किस तरीके से हो सकते हैं जाने से पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए सारथी आई एस जयपुर डब्ल्यू डब्ल्यू नंबर्स आपको सारे अवेलेबल आएंगे पूरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी आपको सिर्फ एक सिंपली आपको जाके फॉर्म पे अपना नाम ईमेल आईडी छोड़ना है आपके पास आराम से कॉल बैक आएगा नहीं।, नहीं तो आप ऑफलाइन सेंटर विजिट कीजिए बांसर में हमारा एक ऑफलाइन सेंटर है एंड सून वी वील बी लॉन्चिंग इन न्यू सिटीज़ ऑल्सो तो हम एक्सेसिबल हैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और मैं तो कहूँगा कि जिस दिन भी आप आइए तो आप ज़रूर बोलिए कि मुझे आप आप मुझसे मिल जाइए मैं भी बड़ा एक्सेसिबल रहता हूँ जब खुद इंस्टीट्यूट के ओनर्स एक्सेसिबल हैं इससे बड़ी बात आप क्या लेंगे तो so, प्लीज़ uh, अपना ध्यान रखिए खुश रहिए एंड आई बन जाते हैं तो प्लीज़ डीएम कर दीजिएगा अपना नंबर <laughs> हमारे काम आएँगे थैंक यू सो मच सो मच थैंक यू यूदीप थैंक यू